लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू गैराज रिव्यूज। आज हमारे पास है फोक्सवैगन वर्चुअस टॉप लाइन यानी कि टॉप एंड वेरिएंट, एंड हमारे पास आ जाता है हाई लाइन यानी कि द मिडिल वेरिएंट ऑफ द फोक्सवैगन वर्चुअस। एंड इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ दोनों कार्स को कंपेयर। सबसे पहले प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाई लाइन जो है यानी कि मिडिल वाला वेरिएंट, अगर हम मैनुअल में बात करें दैट इज 13,42,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस। एंड अगर मैं टॉप लाइन की बात करूँ मैनुअल के अंदर सो दैट इज 14,90,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस। यानी कि प्राइस डिफरेंस दोनों कार्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, बट इस प्राइस डिफरेंस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ फोक्सवैगन वर्चुअस, दिस इज द वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की। ये हमारे पास हाई लाइन मॉडल है यानी कि मिडिल वाला मॉडल है। इसके अंदर आपको दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है हेडलैम्प्स का, जो कि वैसे तो इस कार के अंदर भी आपको एलईडी मिलते हैं, लेकिन टॉप लाइन के अंदर आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर एलईडीज एंड हाई लाइन में नॉर्मल एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्रोम गार्निश जो है ग्रिल के ऊपर हाई लाइन में सिर्फ ऊपर की साइड मिलती है, जबकि टॉप लाइन के अंदर आपको दोनों साइड देखने को मिलती है। तो अगर आप ये हाई लाइन मॉडल देखें एंड अगर हम अब टॉप लाइन की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं टॉप लाइन में पहली बात तो आपके पास प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, DRL का डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है एंड क्रोम गार्निश आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट एंड लुक्स में तो यही है, बट देन इफ़ यू मूव ऑन टू द अलॉय व्हील्स तो आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन इज ऑल्सो डिफरेंट इन द टॉप लाइन वेरियंट। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको डायमंड कट में देखने को मिलते हैं, जबकि इन द हाई लाइन वेरियंट अगर आप देखेंगे तो 16 इंचज़ तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, बट दीज आर नॉट डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड दीज आर अ लिटिल डिफरेंट इन डिज़ाइन। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में एक और डिफरेंस आता है, दैट इज ऑफ अगेन क्रोम गार्निश। हाई लाइन में आपको कहीं पे भी क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलेगी विंडो सिल्स के आसपास, जबकि इन द टॉप एंड वेरिएंट आपको यहाँ पर क्रोम गार्निश विंडो सिल्स के नीचे देखने को मिल जाती है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। उसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस, बट हम उसके बारे में फीचर्स में ज़्यादा बात करेंगे, दैट इज़ द सनरूफ, जो कि आपको टॉप मॉडल में देखने को मिल जाती है, बट इन द हाई लाइन मॉडल आपको वो नहीं मिलती। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम रेयर की बात करें तो टॉप मॉडल एंड मिडिल मॉडल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। रेयर एग्जैक्टली सेम है, सेम टेल लैम्प्स मिलते हैं, सेम बैजिंग देखने को मिलती है, सेम क्रोम गार्निश, एवरीथिंग इज द सेम। अब गाड़ी के इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है हाई लाइन के अंदर आपको मिलता है एक नॉर्मल एनालॉग क्लस्टर, जो कि आप देख सकते हैं टैकोमीटर यहाँ पे एंड स्पीडोमीटर यहाँ पे, जिसके अंदर एक डिस्प्ले आपको मिलती है यहाँ पर। बट टॉप मॉडल के अंदर आपको ये जो क्लस्टर है ये आपको कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है एक वर्चुअल कॉकपिट के साथ। पहला डिफरेंस आ जाता है ये। दूसरा डिफरेंस आता है हमारी सीट मटेरियल के अंदर, क्योंकि सीट मटेरियल इन द हाई लाइन मॉडल आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती हैं, जबकि अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ तो उसमें आपको परफोरेटेड लेदराइट सीट्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से एक और डिफरेंस आ जाता है। टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, लेकिन हाई लाइन मॉडल के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को नहीं मिलती। बट देन एक बोनस आपको ज़रूर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, वो ये है कि आपको हाई लाइन के अंदर नॉर्मल मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं जिनको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, बट टॉप एंड वेरियंट के अंदर इस बार दे दिए गए हैं ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट्स, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग टू हैव। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स के अंदर भी आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड मेजॉरिटी हम वैसे ही स्टाइलिंग में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल मैं अगर आपको बताऊँ तो सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत मिल जाती हैं टॉप एंड मॉडल एंड इस मॉडल के अंदर। जैसे कि स्टेयरिंग व्हील आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील और मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील दोनों कार्स में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्प्ले जो है एग्जैक्टली सेम है दोनों कार्स के अंदर, उसके साथ एम्बियंट लाइटिंग भी आपको दोनों कार्स के अंदर देखने को मिल जाती है, यहाँ तक कि वायरलेस चार्जिंग भी आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट्स जिसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों चल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट जो चेंजेस हैं वो वही हैं, अगेन वर्चुअल कॉकपिट का चेंज आ जाता है, सनरूफ का चेंज आ जाता है जो कि हाई लाइन में आपको देखने को नहीं मिलता बट टॉप एंड मॉडल में आ जाता है, साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स और लेदराइट सीट्स का डिफरेंस आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सीट्स का डिफरेंस मिल जाता है क्योंकि इस कार के अंदर मैनुअल आते हैं एंड टॉप एंड मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आती है। एक छोटा सा डिफरेंस लेकिन जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को ज़रूर मिल जाता है वो ये है कि आपको जो IRVM मिलता है दैट इज़ ऑटो डिमिंग। नॉर्मल कार के अंदर आपको मैनुअल IRVM ही मिलता है जिसको आपको आगे पीछे फोल्ड करना पड़ता है, बट इस कार के अंदर ऑटो डिमिंग आ जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ यूजफुल फीचर टू हैव।
नेक्स्ट आप बात करें अगर प्रैक्टिकलिटी की, तो प्रैक्टिकलिटी दोनों कार्स के अंदर एग्जैक्टली सेम है। शुरुआत करते हैं ग्लव बॉक्स से। ग्लव बॉक्स इस कार का काफी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओनर्स मैनुअल रखने के बावजूद भी बहुत स्पेस है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास कार्ड होल्डर है, 3 कॉइन होल्डर आ जाते हैं, आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग आ जाती है, एंड ये सेंटर कंसोल स्पेस भी काफी बड़ी है। उसके अलावा हैंड ब्रेक के बिल्कुल साथ 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ। आर्मरेस्ट जो है इस कार की एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, जिसको ओपन करने के बाद भी आपके पास यहाँ पे अंदर स्पेस है इस कार के, एंड ये स्पेस भी काफी बड़ी है क्योंकि आप देख सकते हैं इट इज क्वाइट डीप एज वेल। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहां मिल जाता है, न्यूज़पेपर मैगजीन होल्डर आपको यहां मिल जाता है जो कि डोर के अंदर भी एक्सटेंड करता है। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको यहां देखने को मिल जाता है, मैगजीन होल्डर यहां पर, सीट पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं कार के अंदर। आर्मरेस्ट को अगर मैं नीचे करूंगा तो आर्मरेस्ट में भी आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस कार में रियर एसी बिन्स आपको मिलते हैं, साथ ही साथ 2 टाइप सी पोर्ट्स फॉर चार्जिंग। बाकी अगर हम डिक्की की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कार की डिक्की भी बहुत बड़ी है, आराम से 4-5 बैग्स आप यहाँ रख सकते हैं। तो एक वीकेंड कार अच्छी है ये, फैमिली के साथ अगर आपको एक वीकेंड ट्रिप लगाना है तो दिस कार इज मेंट फॉर इट। अगेन डिक्की हाई लाइन एंड टॉप लाइन दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो अगेन सेम इंजन मिलता है आपको दोनों वेरियंट्स के अंदर। दोनों में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 1.5 लीटर TSI इंजन और एक 1 लीटर TSI इंजन। ये वाली वेरियंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दीज आर द 1 लीटर TSI वेरियंट्स, जिसके अंदर 115 PS ऑफ पावर आपको देखने को मिलती है, जो कि आराम से आपको 14-15 की एवरेज सिटी में लोग बोलते हैं दे देती है। बट अगेन कंपनी क्लेम इज अराउंड 19 के आसपास, जो कि हाईवे पे बड़े आराम से मिल जाएगी आपको, बट सिटी के अंदर 14-15 से ऊपर नहीं जाती। बट देन अगेन अगर हम बात करें 1.5 लीटर इंजन की, जिसके अंदर इसका एक ऑप्शन आता है, दैट इज अ मच मोर पावरफुल इंजन, 150 PS ऑफ पावर इन दैट इंजन। बट उस इंजन की, हालांकि बड़ा इंजन होने की वजह से उसकी एवरेज लोगों को लगता है कम होगी, बट उसके अंदर एक सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि 1 लीटर इंजन जो है दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन, बट 1.5 लीटर इंजन जो है दैट इज अ 4 सिलेंडर इंजन। बट जब आप गाड़ी को क्रूज कर रहे होते हैं उसके 2 सिलेंडर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एंड इट एसेंशियली बिकम्स अ 2 सिलेंडर इंजन कार, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो एवरेज है वो लोग बोलते हैं 1.5 लीटर इंजन के अंदर अच्छी मिलती है। बट देन कीप इन माइंड सिर्फ और सिर्फ क्रूज करते हुए वो 2 सिलेंडर्स बंद होते हैं, यानी कि हाईवे पे वो इंजन आपको और ज्यादा माइलेज दे देता है, बट सिटी के अंदर उसकी माइलेज 1 लीटर इंजन से कम ही रहती है। यानी कि अगर आप 1.5 लीटर इंजन ले रहे हैं तो यू कैन अज्यूम अराउंड 12 से 13 की एवरेज फ्रॉम दैट इंजन इन द सिटी। एंड सो दोज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द मिडिल मॉडल हाई लाइन वेरियंट एंड द टॉप मॉडल टॉप लाइन वेरियंट ऑफ द फोक्सवैगन वर्चुस। प्राइस टैग के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा ये वाली कार लगी, बट एट द सेम टाइम आई विल से कि इस कार के अंदर, यानी कि मिडिल वाले मॉडल के अंदर, आपको वो सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से 2023 के अंदर एक कार में होने चाहिए। अलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प्स, कंफर्टेबल सीट्स, ऑटोमेटिक AC, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वो सारी एसेंशियल फीचर्स इस कार में आपको मिल जाते हैं। बट इस वाले वेरियंट के अंदर, टॉप एंड वेरियंट के अंदर, वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो कि एसेंशियल से ज़्यादा नॉवल्टी फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सनरूफ एक नॉवल्टी फीचर है, होना अच्छी बात है, बट देन इसके बिना भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। सिमिलरली डायमंड कट अलॉय व्हील्स होना अच्छी बात है, बट इसके बिना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होना अच्छी बात है, बट अगेन LED हेडलैम्प्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो दैट इज़ वाई दिस वेरियंट इज द नॉवल्टी कार मेरे हिसाब से, बट देन दिस इज़ द मोर वैल्यू फॉर मनी वेरियंट। दोनों ही वेरियंट्स अपने मायने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। ये था डिफरेंस ऑफ द टॉप मॉडल वर्सेज द मिडिल मॉडल ऑफ द Volkswagen Virtus। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।